जेके एसएसबी रिक्रूटमेंट 2021 2311 पटवारी और जूनियर असिस्टेंट सहित अन्य पदों पर निकली भर्तियां jkssb.nic.in पर करें आवेदन। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर के आ गई हूँ। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाएं आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए शानदार मौका है। दरअसल जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने विज्ञापन 2 के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके अनुसार बोर्ड जूनियर असिस्टेंट, जूनियर सुपरवाइजर, जूनियर स्टेनोग्राफर और पटवारी के पद पर नियुक्तियां करेगा। ऐसे में इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर जा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तिथियों के बारे में अगर हम बात करें तो ऑनलाइन पंजीकरण की प्रारंभिक तिथि है 12 अप्रैल 2021 जो कि शुरू हो जा चुकी है, और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 12 मई 2021। वैकेंसी की अगर डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो सामान प्रशासन विभाग के लिए 52 है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए 528 यानी कि 528 है, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए 144 है, कॉरपोरेटिव डिपार्टमेंट के लिए 256, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट के लिए 8 पद हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा 35 स्पीड के साथ ही साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। जूनियर सुपरवाइजर और सब ऑर्डर के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जूनियर स्टेनोग्राफर के पद पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उम्मीदवारों को शॉर्ट हैंड में 65 शब्द प्रति स्पीड होनी चाहिए। वहीं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स के साथ ही साथ प्रति महीने प्रति मिनट टाइपिंग की गति 35 शब्द होनी चाहिए। पटवारी के पद पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट की डिग्री और उर्दू की नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करें अगर हम सिलेक्शन के बारे में कि सिलेक्शन कैसे होगा आपका, तो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से निकाले गए विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन बहुविकल्पीय प्रश्न के आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।